हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एसक्यूएल व्यू में भी काम किया जा सकता है, और जो प्रोजेक्ट आपका बनता है, खासतौर पे क्लास 10th या 9th में जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, तो उसमें एसक्यूएल व्यू के थ्रू अपडेट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, और जो भी एसक्यूएल के कमांड है उनके थ्रू टेबल बनाने के लिए आपको दिया जाता है। यानी कि आपको नॉर्मल तरीके से टेबल नहीं बनानी है, आपको क्या करना है, सीधा यहां पर आना है, ये जो टूल्स दिया हुआ है, और यहां से एसक्यूएल पे आना है। टेबल बनाना है ना, तो टेबल हमको यहां से जाकर टेबल डिजाइन से नहीं बनाना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, टेबल डिजाइन से आपको टेबल नहीं बनाना है, जो मैं पहले बता चुका हूं। यहां पर जाइएगा, ये ओपन होगा, यहां पर सारे फील्ड्स नेम देंगे, यहां डेटा टाइप आप चूज करेंगे तो टेबल तो बन जाएगी आपकी, लेकिन ऐसे हमें बनाना नहीं है। तो बनाना कैसे है, तो बनाना ऐसे है कि ये टूल्स पे जाना है और यहां पे एसक्यूएल पे आ जाना है, और एसक्यूएल के अंदर हमें टेबल बनानी है, समझ रहे बात को? तो यहां पे क्रिएट कमांड यूज करूंगा, ठीक है? और क्रिएट क्या कर रहे हैं हम, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल स्मॉल या कैपिटल दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है? मैंने फिलहाल स्मॉल लिखा है, ठीक है? तो क्रिएट टेबल दे दिया। अब टेबल का नाम क्या होना चाहिए, टेबल का नाम होना चाहिए डाटा, DATA, डाटा नाम दे दिया टेबल को, ठीक है? और यहां पर टी दे देता हूं, उससे पता चलेगा कि ये टेबल है, ठीक है ना? तो डाटा टी दे दिया। अभी हमारा पहला जो यहाँ पे डाटा है वो क्या है, रोल नंबर होगा। तो ये लिख दिया रोल, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, गैप मत दीजिएगा, नहीं तो आपका चलेगा नहीं ये, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अंडरस्कोर नहीं लगाना है, सॉरी अंडरस्कोर लगाना है, गैप नहीं देना, ठीक है? रोल नंबर हो गया, और रोल नंबर का डेटा टाइप क्या रखेंगे, इंटीजर। इंटीजर भी लिख सकते हैं और इंट भी लिख सकते हैं, दोनों आपके लिए वैलिड है। ये देखिए, ये इंटीजर लिख दिया हमने, नो प्रॉब्लम, इंटीजर लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यहां पर अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये इंटीजर प्राइमरी की बन जाए, तो प्राइमरी की के लिए सेम जैसे मैंने बताया था ना, वहां पे आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैं मुझे लगता है कि नियर अबाउट 1000 वीडियोस बना चुका हूं, तो ये तो क्लियर ही हो गया होगा कि कैसे वहां पे काम करना है आपको, ठीक है ना? तो अगर आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी की भी बना सकते हैं। फिलहाल इंटीजर डेटा टाइप हमने दे दिया है, और यहां पे लिख देंगे प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की यूनिक की होती है और ये रिपीट नहीं होती है, तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है ना? बाकी सब ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाइए, फिर आराम से काम कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेम लिख दिया, अंडरस्कोर दे दिया, ऑफ दे दिया, अंडरस्कोर दे दिया, स्टूडेंट दे दिया। तो देखिए, गैप नहीं दे रहा, अंडरस्कोर दे दे के लिख रहा हूं, तो ये चीज ध्यान देनी है। यहाँ पर वेर कैर डेटा टाइप लूंगा, और यहाँ पे साइज इसकी 20 रख दूंगा, हो सकता है नाम किसी का 20 कैरेक्टर का हो या उससे कम का हो, तो यहाँ पे दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना? तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फिर वापिस से कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट का एज देंगे, एज, तो ये एज दे दिया, और एज क्या होगा, एज हमारा होगा फ्लोट डेटा टाइप, 5.5 साल का कोई होगा तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप कर दिया, ठीक है? और इसको बंद कर दिया। अब हमें कोई और भी फील्ड डालना होगा तो कॉमा दे दे करके आगे फील्ड सब डालते जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें कोई और फील्ड इसमें डालना नहीं है, तो यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देते हैं, सेमी कोलन लगाने से ये टर्मिनेट हो जाता है। अब यहां से एक्सिक्यूट कराने की बारी है, ये एक्सिक्यूट, ये, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सिक्यूट कराते क्या लिखा हुआ है, कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड, आपने देखा ये आ गया ना। अब हमको करना क्या, इसको क्लोज करना है, क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है, अभी हमको यहाँ पर टेबल दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको एक बार यहां से क्लोज करते हैं इसको, ठीक है? ये क्लोज किया, देन डेटाबेस को दोबारा से ओपन करेंगे, ठीक है? एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे जाएंगे, हम स्टूडेंट डी नाम से हमारा डेटाबेस था और हमने बनाया था डाटा टी नाम से, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ओपन किया तो ये डाटा टी ऑलरेडी आपके सामने है, और यहाँ पे रोल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट और एज जो जो फील्ड हमने डाली थी वो तीनों ही फील्ड आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगी, एकदम ईजी है। अगर आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाए तो एकदम आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर 1 हमने डाल दिया, समझिएगा यहाँ पर भी प्राइमरी की सेम वही काम करता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। पहले स्टूडेंट का नाम था रितेश, लिख दिया रितेश। अब इनकी एज है, जैसे मान लीजिए एक बात कह रहा हूँ 15.5 साल, तो 15.55 लिख सकते हैं ना, फ्लोट लेने का मतलब यही हुआ, ठीक है? अब मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 2, इनका नाम है राजू, ठीक है? अब यहाँ पर इनकी एज कितनी है, इनकी एज है 16.2 ईयर, ठीक है? तो ये 16.2x3 है और इनका नाम है राम, ठीक है? और इनकी एज क्या है, इनकी एज मान लीजिए 15 साल हो, तो क्या 15 भी एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, फ्लोट दोनों ही तरह का डेटा ले सकता है, ठीक है ना? तो आपको आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे कैसे इसमें एंट्री पास करनी है और कैसे कैसे आपका डेटा इसमें एंटर होगा, ठीक है? एकदम क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? एकदम आसानी से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 करता हूँ, ठीक है? 4 के बजाय अगर मैं 3 दे देता हूँ तो क्या दुर्घटना घट सकती है, वो तो आपको पता ही है,
ठीक है, यहाँ पे 3 कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख दिया और मिला, तो एक और नाम लिख दिया। अब यहाँ पे इनकी एज है 17, ठीक है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है ना, यहाँ पर वायलेशन हो रही है, वायलेशन ऑफ यूनिक कॉन्स्टेंट एस वाई एस अंडरस्कोर पी के 48 डुप्लीकेट वैल्यू पर कॉलम। क्या डुप्लीकेट है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि यही तो डुप्लीकेट है, तो जब आप इसको हटा देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये है, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। लेकिन जब इसमें कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं, ठीक है। आई होप कि पूरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।